आंसर सुनना कि जो बच्चा 11th को अच्छा कर लेता है उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 70% ज्यादा होती है जिसका 11th खराब हो जाता है, क्योंकि एक साल बाद जब तुम 12th में जाओगे ना तो तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा कि तुम कितने बड़े रामलाल हो और तुमने एक साल खराब कर लिया। तो 12th में सबको रियलाइज हो जाता है, तो 12th में रियलाइज हो जाने के बाद क्या करता है, तो बच्चा सिंसियरली पढ़ता है। मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस की वजह से आपको ये बात बता रहा हूं कि जिस बच्चे का 11th ठीक होता है उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 70% ज्यादा होती है 12th के कंपेयर, क्योंकि 12th सबका ठीक होता है। उसका एक रीजन है कि बच्चे को रियलाइज हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफी करी 11th खराब करके। दूसरा रीजन है उसका बोर्ड होता है, तो बोर्ड में नंबर की वजह से सिंसियर पढ़ता है। और तीसरा रीजन 12th का फिजिक्स आसान है, उसका मेंटल एबिलिटी भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, मेंटल एबिलिटी भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। समझ में आया कि नहीं, मेंटल एबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये 3 डिफरेंस है। तो 12th सबका ठीक होता है, लिख के रख ले, अपने बड़े भैया से या किसी सीनियर से पूछना जो तैयारी कर रहा होगा, पूछना उससे। और गलती मत करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, सच में प्यार से बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये गलती मत करो, अपना 11th मत खराब होने देना। क्योंकि अगर तेरा 11th ठीक हो जाएगा तो तू सक्सीड हो जाएगा, तू डॉक्टर बन जाएगा, और 11th खराब कर लिया तो भाई साहब 18 घंटा भी पड़ेगा तो मुश्किल होगा उसके कंपेयर में जो पहले अच्छे से पढ़ चुका है। 11th पे ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है बेटा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।